आईटी 93 में एक सिंपल एग्जांपल है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, मास है, मूव ऑन द एक्स एक्सिस एज फॉलो, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी बराबर जीरो, फ्रॉम द पॉइंट एक्स बराबर जीरो एंड कम टू रेस्ट एट टी बराबर वन, एट द पॉइंट एक्स बराबर वन नो अदर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट इट्स मोशन ऑफ इंटरमीडिएट टाइम 0 to 1 second, इफ अल्फा डिनोट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल देन। चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल द टाइम टी इन द इंटरवल। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि चूंकि एक्सेलरेशन के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है। चलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, उसके बाद अल्फा को कांस्टेंट मान के, मतलब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानकर हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन को वेरिएबल करते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अगर वो टी बराबर जीरो सेकेंड से स्टार्ट होकर टी बराबर वन सेकेंड पर रुकना है तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है, तो मैं लिखूँगा एक कुछ कुछ ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा ऐसे, फिर ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन कांस्टेंट रिटार्डेशन और टी इक्वल्स टू वन सेकेंड पर आ गया। तो अगर मैं कहूँ कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बताइए, तब क्या कहेंगे, वन अपॉन टू इस ट्रायंगल के एरिया लिखे जा रहे हैं, इट इज़ वी मैक्स इंटू टाइम इज कितना वन सेकेंड इज इक्वल टू इस पूरे ग्राफ के लिए कितना आ गया वन, यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ टू। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोऑर्डिनेट है, जो टॉप 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 मोस्ट वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टू के बराबर आएगी, टू के बराबर नीचे। अच्छा, इस ग्राफ के एरिया, रिपीट कर रहा हूँ, इस ग्राफ के एरिया जो होना चाहिए, एरिया वो किसी भी हाल में कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट वन है और टाइम वन से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी क्वेश्चन में मैक्सिमम जो टाइम का लिमिट है, टाइम का लिमिट है वो इस कंडीशन को गवर्न कर रहा है, इस कंडीशन को गवर्न कर रहा है कि एक तो एरिया वन आना चाहिए ताकि डिस्प्लेसमेंट वन रहे, एंड दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम जीरो और वन सेकेंड के ही बीच में होना चाहिए। अब इस ग्राफ में चलते हैं। अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है तो ये ग्राफ में मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी हाल में टू ही होगी, क्योंकि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर वो इस तरीके से आएगा, या ये ग्राफ ऐसे चले इस तरीके से जाए फिर वो वापस यहाँ पे आ जाए, क्योंकि तभी जाके इस इन सारे ट्रायंगल के एरिया सेम आएगा, क्योंकि बेस लेंथ तो सबका सेम रहेगा और मैक्सिमम हाइट सेम रहेगी, तभी तो जाके एरिया वन बनेगा, अदरवाइज एरिया वन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, वन अपॉन टू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस तो वन के बराबर है। तो अगर लिख रहा है कि एरिया इज इक्वल टू वन अपॉन टू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो कि वन है, तो चूंकि बेस बेस वन के बराबर है तो परपेंडिकुलर का हाल हर में सेम रहना पड़ेगा, तभी तो एरिया सेम रहेगा, यानी परपेंडिकुलर हर हार में क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर इफ अल्फा मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन मैक्सिमम वेलोसिटी कैन नॉट रीच मोर देन टू मीटर पर सेकेंड। तो कैसा भी ग्राफ ऐसे आप ड्रॉ करें, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें, फिर ये इस तरीके से सचाएगा। तो आप देखिए, अगर बहुत स्लोली एक्सेलरेट होगा, बहुत स्लोली एक्सेलरेट होगा तो बहुत तेज रिटार्ड होना पड़ेगा, तब जाके वो रेस्ट में आएगा। अब इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया, इसका ए पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसके ए पार्ट में कह रहा है कि अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टी टाइम इन इंटरवल। ये तो ऑब्वियस भी है, क्योंकि हर टाइम इंटरवल पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बहुत स्लोली भी गया रेसेशन पॉजिटिव रखा तो बाद में बहुत कम समय के लिए एक निगेटिव रेसेशन देना ही पड़ेगा, तभी जाके वेलोसिटी जीरो हो पाएगी। यानी ए पार्ट सही कह रहा है कि अल्फा को किसी भी हाल में हमेशा पॉजिटिव तो नहीं रहना पड़ेगा, एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव होगा बाद में निगेटिव होगा, चाहे बहुत ही कम समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन जब समय बहुत कम दोगे तो एक्सेलरेशन को बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा रिटार्डेशन को।
तो इतना तो कंफर्म हो गया, ये पार्ट की सही है, हमारा ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्यों ये पार्ट सही हो गया? इसलिए सही हो गया क्योंकि एक रीजन में अगर एसेलरेशन पॉजिटिव है तो दूसरे रीजन में एसेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब कि एसेलरेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा। यही ये पार्ट में कह रहा है कि अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टाइम टी इंटरवल 0 to 1। क्या ये सही है? तो यस आंसर सही है। इसका बी पार्ट कह रहा है कि मॉड ऑफ अल्फा कैन नॉट बी एक्सिस्ट टू एट एनी पॉइंट इन पाथ। किसी भी पाथ में एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी पाथ हो। तो अगर मैं इसी पाथ को सेलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ का स्लोप कम आएगा और इसका स्लोप क्या आएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो इसका स्लोप 2 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? तो हो सकता है एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा हो सकता है कुछ इंटरवल के लिए, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड 2 से ज़्यादा हो सकता है। चेक करते हैं। अच्छा मैं एक इंटरमीडिएट प्रोसेस की बात करूँ कि जिसमें एक्सेलरेशन सेम टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ और सेम टाइम के लिए अगर रिटार्ड हो गया, सेम टाइम के लिए एक्सेलरेट और सेम टाइम के लिए रिटार्ड हुआ, तो ये जो एक्सेलरेशन बनेगा ये इस एंगल का थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ बाई दिस लेंथ। तो ये लेंथ किसके बराबर है? 2 के बराबर है। और ये लेंथ किसके बराबर है? 1/2। तो मैं लिखूंगा 2/1/2, तो वैल्यू क्या आ गई? 4। इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर वो हाफ टाइम के लिए एक्सेलरेट होता और हाफ टाइम के लिए रिटार्ड होता तो उसका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए अब मैं फिर भी बात करता हूँ कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई इंटरवल ऐसा नहीं होगा जिसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक्सीड कर दे, तो गलत कह रहा है। इसलिए क्योंकि इस लाइन का जो एक्सेलरेशन है, इसको हम रेड पेन से मार्क कर देते हैं, इसमें इस लाइन का, ये जो लाइन है, इस लाइन का जो एक्सेलरेशन है 4 है और रिटार्डेशन भी 4 है। तो अगर मैं इस पाथ को सेलेक्ट करूँ तो इसमें तो इसका रिटार्डेशन 2 से तो ज़्यादा आ ही गया। इधर देखिए इस पाथ का एक्सेलरेशन 2 से कम है, 4 से कम है, बट इसका तो एक्सेलरेशन 4 से ज़्यादा हो गया। यानी मैं ये कहूँगा कि अगर अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है तो जो भी हो जाए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कोई एक कुछ समय के लिए 4 से ज़्यादा तो होगा ही कम से कम। अब 4 के बराबर भी होगा, किस केस में 4 के बराबर होगा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और रिटार्डेशन भी कांस्टेंट होगा और दोनों ही सेम टाइम इंटरवल होगा, मतलब सेम टाइम पे एक्सेलरेट हो और सेम टाइम पे रिटार्ड हो, तो उसी केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो 4 के बराबर होगा, रिटार्डेशन भी 4 के बराबर होगा। उसके अलावा कोई भी और केस अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला केस सेलेक्ट करेंगे तो इस केस में एक्सेलरेशन 4 से तो कम है बट यहाँ पर रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड 4 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका सी पार्ट में यही कह रहा है, बी पार्ट तो गलत हो गया। बी पार्ट में कह रहा है कि अल्फा कैन नॉट एक्सिस्ट टू एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, गलत कह रहा है। इस पाथ में यहीं पे 2 से ज़्यादा हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा आई है। और जो ये वाला पाथ है इसमें ये तो खुद ही 4 है, ये भी 4 है, तो ये 2 से ज़्यादा तो हो गई। तो ये गलत कह रहा है, बी पार्ट इज गलत, रॉन्ग। सी पार्ट में कह रहा है अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 4, इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4 एट सम पॉइंट या पॉइंट इन इट्स पाथ। कितना अच्छे साइन लिखा हुआ है कि अल्फा, सी पार्ट की बात कर रहे हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉर सम पॉइंट या अ पॉइंट। अच्छा अब एट सम पॉइंट और पॉइंट्स, देखिए एग्जैक्टली 4 की बात करते हैं कि 4 के बराबर भी हो सकता है। अच्छा 4 के बराबर कब आएगा? जब वो 4 के बराबर, ऑब्वियसली अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 ही है, तो 4 के बराबर भी है। और इस रीजन में जाएंगे तो देखिए 4 से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। तो अगर बहुत स्लोली अगर एक्सेलरेट भी होता है ना तो बाद में ना बहुत कम समय के लिए भी जो एक्सेलरेशन होगा वो 4 से किसी भी हाल में क्या होगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि सी पार्ट भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है। डी पार्ट, अल्फा मस्ट बी चेंज साइन ड्यूरिंग द मोशन बट नो अदर इन्फॉर्मेशन कैन बी मेड विद द इन्फॉर्मेशन गिव है, डी पार्ट। तो डी पार्ट गलत कह रहा है, इसलिए क्योंकि कह रहा है कि डी पार्ट में कि आप डी पार्ट पे ये कह रहा है कि आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन अपने साइन को चेंज करेगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं बता सकते, गलत है। मैं तो बता दिया सी पार्ट कि एक्सेलरेशन जो होगा वो किसी भी हाल में कुछ पॉइंट पे 4 से ज़्यादा जरूर होगा, 4 से ज़्यादा कुछ पॉइंट पे जरूर होगा, ऑब्वियसली मैं सही कर रहा हूँ।
कोई स्प्राइट फोर से जॉक की इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दिया, इसका मतलब डी पार्ट गलत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और सी हो जाएगा अगर अल्फा कांस्टेंट है तो। अब थोड़ा वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करते हैं इसी क्वेश्चन में समझने के लिए। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होता तो क्या होता, अगर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होता और मैं इसी ग्राफ की स्टडी करूँ और ऐसे बनाऊँ वी वर्सेस टी का ग्राफ बनाऊँ और इस तरीके से अगर मैं दिखाऊँ ऐसे, और ये जो है इस तरीके से दिखा रहा हूँ सपोज करो, और दिस टाइम इज़ वन सेकेंड। अच्छा अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन, मैं केस स्टडी कर रहा हूँ कि अल्फा अगर वेरिएबल होता तो क्या होता, वेरिएबल होता तो टाइम वन, एरिया को तो वन देना ही पड़ेगा, एरिया को वन रखना पड़ेगा, मतलब एरिया इज फिक्स वन होना चाहिए। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, अगर शुरू में मान लीजिए स्लोली ऐसे अगर एक्सेलरेट हो, स्लोली अगर ऐसे एक्सेलरेट हो, स्लोप अगर घटता जाए, स्लोप घटता जाए तो स्लोप घटता जाए तो फिर उसको नीचे से आप बढ़ा भी नहीं सकते, स्लोप घटता जाए तो आप नीचे से बढ़ा भी नहीं सकते। देखो अभी समझाते हैं, इसलिए अगर किसी ने कहा कि नहीं ये काम करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ये टाइम दिखाते हैं, वी को ऐसे दिखाते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया था ये, एंड दिस इज वन सेकेंड। अगर कोई ने कहा कि नहीं हमारा एक्सेलरेशन ना प्रूफ करना है, एक तो अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टाइम्स, तो वैसे भी सही है क्योंकि रिटार्ड तो होना ही पड़ेगा, तो ये पार्ट तो सही है, ये पार्ट तो ऐसे ही समझ में आ गया, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो या वेरिएबल ना हो, ठीक है, एक बार तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तो ये पार्ट सही हो गया। बी पार्ट, अल्फा कैन नॉट एक्सिस्ट टू एट एनी पॉइंट ऑन इट्स पाथ, तो टू से ज़्यादा नहीं हो सकता, चेक करते हैं। अच्छा इसी का यहाँ का स्लोप फोर, यहाँ का स्लोप फोर है क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल, ये हाफ टी बराबर हाफ है, तो यहाँ का जो स्लोप थीटा है टेन थीटा इट इज फोर। अगर कोई कह रहा है कि नहीं अल्फा कैन नॉट एक्सिस्ट टू एट एनी पॉइंट इट्स पाथ, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन होने के लिए कम से कम इस ग्राफ को इस लाइन से और इस लाइन के नीचे ही रहना पड़ेगा, इस लाइन से नीचे रहना पड़ेगा। तो आप कैसे ड्रा करोगे, अगर आप ऐसे ड्रा करते हो वेरिएबल एक्सेलरेशन जैसे बनाते भी हो, तो ये जो एरिया आएगा वो एरिया तो वन से कम हो जाएगा ना, एरिया वो तो किसी भी हाल में वन चाहिए, तो वन अगर ये एरिया दे रहा तो ये एरिया तो कम ही हो गया वन से, इसका मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड दूसरा, अगर मैं इसी टाइम में अगर चाहता हूँ कि नहीं अगर मंथ फोर से कम भी रखना है तो अगर वो ऐसे बढ़ाता है, इस तरीके से बढ़ाता है, तो कम से कम इसको इस लाइन से ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस लाइन के पहले अगर मुड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आगे बढ़ाएंगे और इसको अगर तुम ऐसे बना भी दिए तभी भी आप गलत बता रहे हो, फिलहाल भी गलत ही बता रहे हो, इसलिए गलत बता रहे हो क्योंकि इसका एरिया इससे कम है, क्योंकि इसका टॉप है, मतलब अगर वेरिएबल है ये ना, तो इसको कम से कम ऊपर तो निकलना ही पड़ेगा, इसको कम से कम इसको ऐसे तो आगे इसको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि एरिया कम है ना, या तो ये ऐसे चले स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो इसको मतलब टू से भी ऊपर जाना पड़ेगा, मैक्स स्पीड टू से भी ऊपर, कुछ ऐसे निकलना पड़ेगा इस तरीके से ऐसे, और ऐसे निकलने की कोशिश किया तो इधर भले ही एक्सेलरेशन फोर से कम आ जाएगा, बट इधर का तो फोर से ज़्यादा आ गया रिटार्डेशन, तो मैग्नीट्यूड फोर से ज़्यादा आ गया। तो बी पार्ट में ये बोलना कि एक्सेलरेशन किसी भी हाल में टू से ज़्यादा नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड में रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, गलत कह रहा है, फोर से ज़्यादा हो सकता है, तो टू से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब सी पार्ट सही कह रहा है कि फोर से ज़्यादा कुछ पॉइंट पर ज़रूर होगा, तो सही बात है कुछ पॉइंट पर है, और फोर भी अटेंड कर सकता है, कब भी ये ऐसे चले वेरिएबल एक्सेलरेशन कभी कभी तो फोर्थ पा ही सकता है ना, ग्राफ में ऐसे चले इस तरीके से अब दिखा दीजिए ऐसे इस तरीके से, फिर उसके बाद ऐसे दिखा दीजिए, तो बन गया। यहाँ पे आने के बाद अगर टेंजेंट बन जाए तो फोर बन सकता है, तो वेरिएबल में तो अटेंड कर ही सकता है, फोर वेरिएबल तो खूब आराम से फोर अटेंड कर सकता है, अब फिर यहाँ पे आ सकता है, तो इसका सी पार्ट भी सही कर रहा है और डी पार्ट गलत कर रहा है, क्यों, क्योंकि फोर से ज़्यादा तो एटलीस्ट एक बार तो होगा ही, अब फोर कब होगा, जब बराबर होगा। तो इस तरीके से एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर ए एंड सी है, और मैंने प्रूफ कर लिया इसमें कि जो एक्सेलरेशन है वो किसी भी हाल में कुछ पॉइंट पे फोर से ज़्यादा जरूर होगा और कुछ पॉइंट पे फोर के बराबर भी हो सकता है, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो या ना हो। और दूसरा कि एक्सेलरेशन अपने साइन को जरूर चेंज करेगा, एक बार निगेटिव होगा तो ये वेलोसिटी घट के जीरो हो पाएगी। थैंक यू।